प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के कर्नल जय सिंह के परिवार के चौथी पीढ़ी के लेफ्टिनेंट बने कर्णवीर सिंह तब्बाल के पिता कर्नल दीपक तब्बाल और कर्नल जय सिंह के पोते को मुबारकबाद दी। पठानिया ने कहा कि विधानसभा शाहपुर क्षेत्र के लिए बहुत मान सम्मान की बात है। इनके परिवार के सबसे पहले सूबेदार संतराम पंजाब रेजिमेंट हवलदार जयराम डोगरा, कर्नल जयवर रिटायर बीएसएम रिटायर मेजर रवि सिंह परमार, स्वर्गीय एन के लुटर सिंह ठाकुर, कर्नल दीपक कुमार सिंह सर्विंग इन आर्मी और अब लेफ्टिनेंट कर्णवीर सिंह तब्बाल ने कमीशन पास किया है, जो कि पूरा परिवार चौथी पीढ़ी तक देश की सेवा कर रहा है। इस खुशी के मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत राणा, ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष विजय ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस महासचिव विवेक राणा, सोशल मीडिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनय ठाकुर, चरणजीत सिंह पठानिया मौजूद रहे। रिटायर्ड कर्नल हूँ और मेरा पोता जो कर्णवीर सिंह अभी लेफ्टिनेंट बन रहा है, ये फोर्थ जनरेशन का आर्मी ज्वाइन कर रहा है। मेरे दो चाचे सेकंड वर्ल्ड वार में भर्ती हुए थे और उसके बाद में दोनों रिटायर हो गए। उसके बाद में मैं भर्ती हुआ 1963 में, मुझे कमीशन मिला। उसके बाद में मेरी थर्ड जनरेशन थी, मेरा बेटा डी के सिंह कर्नल है, अभी सर्विंग सोल्जर है, और चौथी जनरेशन का जो अभी लेफ्टिनेंट कर्णवीर सिंह सवाल बना है, ये चौथी जनरेशन का है। तो हमारी फैमिली का ये परिवार के हैं सारे आर्मी के लिए। कर्नल दीपक के सिंह हूँ एंड मैं सर्विंग कर्नल हूँ। मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में सर्विस कर रहा हूँ एंड कर्नल जय सिंह मेरे फादर हैं एंड ये मेरा बेटा है लेफ्टिनेंट कर्णवीर सिंह तब्बाल। एंड जैसे कि आपने सुना कि अभी वो फोर्थ जनरेशन ऑफिसर आज ही कमीशन हुआ है, उसको प्रेसिडेंट्स कमीशन प्राप्त हुआ है और वो एज अ लेफ्टिनेंट आर्मी में अब सर्व करेगा। देखिए, ये रिक्रूटमेंट ये जो प्रोसेस है ऑफिसर बनने का, ये बड़ा लंबा है। आज उनको 4 साल हो गए हैं। 4 साल पहले वो एज अ टेक्निकल एंट्री सर्विस में सेलेक्ट हुए थे एसएसबी के बाद। फिर उन्होंने 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग की और उसके बाद 3 साल का उन्होंने बीटेक पूरा किया है, जिसके उपरांत वो आज ऑफिसर बन गए, कमीशन होकर ऑफिसर बन गए हैं।